अच्छा भी आज के दिखा दे भी आज की। राम जी स्वागत है आप सबका हमारे आज के नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में उम्मीद करा कि आप सारे ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत आप करने लग रहे हैं लगभग 7 बजे। और आज मेरा पेपर भी है और एक है, मैं जब पासपोर्ट अप्लाई करके आई थी तो उसकी वेरिफिकेशन भी है बरवाड़ा थाने के अंदर। एक बार तो मैंने कह दिया था कि तमें ऐसी हो मैं को नहीं आंदी, और वो मान भी गए थे, लेकिन फिर भी वो थाना में कोई महिला कर्मचारी थी बेचारी, उसकी बालक बच्चे की भी मजबूरी थी, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है चले जाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझ के चले जाना चाहिए। तो पहले उड़ जावा और उसके बाद अपना पेपर है हिंदी का आज सुल्तानपुर, वो भी दे के आवाएं, और उसके बाद फिर अपा जहाँ भी जाएंगे आपको बताएंगे। आप सारे यदि चैनल पर नए हो और चैनल वीडियो में आगे बढ़ने से पहला वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल पे यदि नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन प्रेस कर दियो, उसके साथ 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 कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो का कौन सा पार्ट अपना अच्छा लगा और कौन सा पार्ट अपना माड़ा लग गया। साथ में आप सबने बता दूं कि कपास चुगण का सा सीजन चल रहा, थोड़े दिन पाछे बाजरा भी आ जाएगा, फिर इसका भी काम करना। मेरे चल रहे पेपर आजकल मैं घर आई रहूँ, बीच बीच में पेपर की तैयारी करते रहूँ। कल हमें गए थे आप सब तक बताया, हम गए थे जंतर मंत्र, जंतर मंत्र पर मरगल जो घटित होया वो सारा कुछ आप सब ने देखा। मरगल ही नहीं घटित होया, हर एक उस किसान साथी को पुलिस ने बार बार नाके लगा करके रोकने का प्रयास कराया। किसान साथियों ने करनाल बाईपास के ऊपर दिल्ली का जो रोड था वो जाम कर दिया और 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। उसके बाद किसानों को जाने का रास्ता दिल्ली की जो पुलिस है उसने दिया, दिल्ली की एक तरीके से कह दें बहुत ही अत्याचार करने की कोशिश किसान के ऊपर सरकार कर रही है, लेकिन फिर भी हम हारांगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। और आप सभी भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई ने शुरू कराया करो और लड़ाई लड़िया करो ताकि सरकार ने मेरा पाटा देश का आम जन जो है वो जाग चुका है और लड़ाई ले चुका है, और जब भी कोई इनके खिलाफ कोई कदम उठाया जाएगा, देश के हित में कोई कदम उठाया जाएगा तो देश का आम जन आपको खड़ा मिलेगा। कसी से बैग है पूरा मोदी नदी है, मेरी पोती नदी है दा मोदी है। कसी से देखिए माटी खाओगी फिर उड़ान देखिए। के कर रहा है मंजे के पापा, वो तो मेरा पापा तेरा थोड़े नहीं है, बोल मेरे को देख दादा तेरा के कर बुआ मंजे तो मंजे किसड़ी एक कसी मेरे लिए मकराना, मैं देऊंगी भी उड़ा, मैं देऊंगी मेरे लिए तो एक आधे में कराना पड़ा, बाकी सारे सुरेंद्र है अपने घर को सिसाई बैठी हुई है रोन लग रही थी क्यों करो है। अच्छा भी आंस आंस के दिखा दे भी आंस की या कसी सिसाई बैठी हुई है और फूल लग रही इसकी मां कुछ ना छोड़ के चले गए और छोड़ गए। मेरा भी पेपर है, मैं भी जाऊंगी और फिर एक बार तो थाना में जाए जाना है, वेरिफिकेशन आ रही है और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ रहेगा क्या कुछ नहीं, और उसके बाद हम फिलहाल पहुंचे थे हांसी
रोटी मेरी या है या तेरी तो चाली चार चीज़ मेरी एक तो मुंह देखा जाए पूरा वीडियो बना ला रही है रोटी मिल गई ना ना जल्दी एक दो दो खत्म एक रारी हुई है मेरी न्यू फूड बना रहा था फिलहाल हम हाँ उमरा में और उमरा में देखो पीछे किसान नेता मांगेराम मलिक जी की प्रतिमा है और एक दो फोटो ले वहीं उसके बाद फिर हम यहाँ से चलेंगे किसान नेता भारतीय किसान यूनियन की जो स्थापना हुई तो सबसे पहले इन्होंने करी थी ये जी हमारे हरियाणा की सड़कें यारी जी यारी लेकिन पतली पतली खड़ी है ये वो इसी नहर है ट्रेन क्या का पानी तारण का पर शायद थोड़ा ऊपर होंगे लोग बाकी
पूरे धर्मशाला हो गए भाई। दीप कुमार की जमीन तो कोई आ, ये देख लीजिए धर्मशाला की हालत कितनी खस्ता है। प्यासी का पार्क में और देख कितना इस पार्क में अपन रील शूट की बहुत सारी और रील के साथ साथ अपन ही भागे हैं। मेरे चेहरे पर बहुत सूरज की छाम, सूरज सूरज की जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा पड़ा है। पार्क में देखो मतलब शहर के गांव के आदमी में यह फर्क है, गांव वाले आदमी सारा दिन काम करके शाम न थक ले है, शहर वाले सांझ ने स्पेशली वॉक करना है, अपना जो स्वास्थ्य है उसने अपनी जो सेहत उसने मेंटेन रखने की खातिर। लेकिन गांव वाले का स्वास्थ्य और गांव वाले की सेहत दिन में काम करके ना हुए मेंटेन हो जाए बेचारेंगे।